हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे तरह से आप अपने म्यूज़िक को एक्सटेंड कर सकते हैं। बैकग्राउंड म्यूज़िक आप जो वीडियोस के अंदर लगाते हैं, चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के अंदर, आपकी वीडियोस हो सकती है 10 मिनट लंबी हो, लेकिन आपका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है वो 3 मिनट का या फिर 4 मिनट का होता है। तो चलिए एक छोटा सा सैम्पल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक या फिर म्यूज़िक को एक्सटेंड कर सकते हैं। छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक ये वीडियो है जो कि है करीबन 10 मिनट की लंबी, ठीक है, और हमें इसके अंदर ये म्यूज़िक मैंने डाल रखा है जो कि है 3 मिनट के आसपास का, 3 मिनट के आसपास का। तो पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी करें ऐसे, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से जब आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक डालते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उतना नेचुरल नहीं लगता है। तो इसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप काफ़ी इजी और फास्ट तरीके से ये प्रोसेस कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ऑडिशन। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। तो इसको पहले डिलीट करते हैं, पहले हम म्यूज़िक के राइट क्लिक करेंगे और एडिट इन क्लिप इन ऑडिशन। काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है क्योंकि जब आप वीडियोस बनाते हो 10-10 मिनट की वीडियोस होती है, लेकिन जब बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको यूट्यूब पे या इंटरनेट पे मिलता है वो 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट का होता है। तो आप काफ़ी आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, म्यूज़िक को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो और ये जो मैंने क्या करा है कि जो म्यूज़िक फाइल है, बैकग्राउंड म्यूज़िक फाइल, इसको मैंने ओपन किया है एडोबी ऑडिशन में, और वहाँ पे हम जाके इसको रिमिक्स करेंगे और एक्सटेंड करेंगे इसकी ड्यूरेशन को। सो यहाँ पे अपनी ऑडियो आ चुकी है। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट इनटू अ मल्टी ट्रैक, उसके बाद लिखेंगे न्यू सेशन, न्यू मल्टी सेशन। यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटेंड म्यूजिक, ठीक है, ओके। काफ़ी इजी तरीका है, 2-3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आप आराम से जितनी मर्जी चाहे आप घंटों की अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक बना सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे आप, यहाँ पे तो लिखे हैं इफेक्ट ट्रैक मार्कर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद नीचे लिखा हुआ इनेबल रिमिक्स, इनेबल रिमिक्स आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे एनालाइज करेगा क्लिप को, और इस तरीके का आप फर्दर ट्यूटोरियल चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, और किस तरीके के ट्यूटोरियल आप देखना चाह रहे हैं। आई विल टीच यू अडोबी प्रीमियम प्रो, ऑडिशन, आफ्टर इफेक्ट एंड फोटोशॉप। इन चारों चीज़ों में आपको किसी भी तरीके का कोई अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो वो कमेंट कीजिए मुझे। उसके बाद क्या कीजिए, देखो नीचे लिखा हुआ है टारगेट ड्यूरेशन। अभी जो म्यूज़िक का जो ड्यूरेशन है वो है 3 मिनट 66 फ्रेम। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, हमारी जो वीडियो है वो है करीबन 10 मिनट 3 सेकंड की। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, 10 मिनट की बनाने वाले हैं, 10 मिनट। और यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, 5 सेकंड की, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एंटर, और यहाँ पे अप्लाइंग रिमिक्स हो रहा है, और ये हमारा जो म्यूज़िक है वो करीबन 10 मिनट का बनकर तैयार हो चुका है। और इसको हम कैसे करेंगे, हम इसको अब लेके जाएंगे इस फाइल को प्रीमियम प्रो में। तो फाइल में जाएंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, यस, ठीक है। उसके बाद करेंगे फाइल एक्सपोर्ट, नीचे आएंगे एक्सपोर्ट टू प्रीमियम प्रो, शायद एज इट इज सारी चीज़ों को छोड़ देना है, एक्सपोर्ट कर देना है। और ये जो फाइल है वहाँ से सेव होकर एक्सपोर्ट हो रही है प्रीमियम प्रो में। और देखा आपने, काफ़ी ज़्यादा इजी है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट है।
आप अपने म्यूज़िक को कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, ये आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा आएगा न्यू ट्रैक ऑडियो, यहाँ पे इंपोर्ट के लिए कह रहा है, तो ओके करेंगे ओके। और यहाँ पे नीचे देखिए, ये नीचे अपनी 10 मिनट की बैकग्राउंड म्यूज़िक जो एक्सटेंड होकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले जो था वो 3 मिनट का था, अब ये हो चुका है 10 मिनट का। इसको डिलीट करो और इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा इजी है, इस तरीके से आप म्यूज़िक को अपना एक्सटेंड कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक को। सो काफ़ी इजी और फास्ट तरीका है। सो आई होप कि जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, और इस तरीके की फर्दर ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स, और किस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हैं वो भी मुझे ज़रा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको किस तरीके की वीडियोज़ पसंद आ रही हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।